पॉपुलर कपल अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। बच्चन परिवार हमेशा ही सुर्खियों में रहा है एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर। देखा जाए तो अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को इतने साल बीत चुके हैं। साल 2007 में ये प्यारा सा कपल शादी के बंधन में बंधा था। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक की शादी बेहद शाही अंदाज में की थी। आज भी फिल्म इंडस्ट्री में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की चर्चाएं होती हैं और अक्सर दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आती हैं। हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की डांस के बारे में। जब अपने बेटे अभिषेक और बहू ऐश्वर्या की शादी में जमकर थिरकते हुए नजर आए थे अमिताभ और जया। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे अभिषेक और ऐश्वर्या की शाही शादी की तस्वीरें, जहां एक ओर इस प्यारे से कपल की जब शादी हुई थी उस वक्त मीडिया और फैंस काफी एक्साइटेड भी नजर आए थे। देखा जाए तो शाही शादी की ये तमाम तस्वीरें आज भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अमिताभ जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पत्नी जया के साथ जमकर थिरक रहे हैं, अपने बेटे की शादी में ये प्यारा सा कपल एक दूसरे के साथ जमकर नाचता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो अमिताभ और जया के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं अभिषेक और ऐश्वर्या अमिताभ और जया की तरफ देखते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, बताना चाहेंगे आप सभी को कि शादी के वक्त ऐश्वर्या की उम्र थी 33 साल, तो वहीं अभिषेक थे 30 साल के। और ये तस्वीरें हैं ऐश्वर्या के संगीत सेरेमनी की, और संगीत सेरेमनी में अमिताभ और जया ने जमकर डांस किया था। इतना ही नहीं, अमिताभ जहां एक ओर जया के साथ डांस करते हुए नजर आए, तो वहीं अपनी प्यारी लाडली बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ भी जमकर डांस करते हुए दिखाई दिए हैं। संगीत सेरेमनी के दौरान पूरा बच्चन परिवार ही बेहद खूबसूरत आउटफिट में नजर आया है। और देखा जाए तो आज भी ऐश्वर्या और अभिषेक की ये शाही शादी की तस्वीरें फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। आज के समय में अभिषेक और ऐश्वर्या अपनी लाडली बेटी आराध्या बच्चन के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।